वैसे भी ये दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करना क्या जाने, जब ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपनी खुद की बेकसूर पत्नी तक को भी छोड़ चुके हैं। और इतना ही नहीं बल्कि मुझे तो ये भी मालूम हुआ है कि बीजेपी में खासकर विवाहित औरतें अपने आदमियों को श्री मोदी के नज़दीक जाते देखकर ये सोचकर भी काफ़ी ज़्यादा घबराती रहती हैं कि कहीं ये मोदी अपनी औरत की तरह हमें भी अपने पतियों से अलग ना करवा दें। और अब ऐसे में पूरे देश की महिलाओं से मेरा ये खास अनुरोध भी है कि वे इस किस्म के व्यक्ति को अपना वोट कतई भी ना दें। और अब ऐसे में फिर इनको किसी भी पार्टी व नेता को अलवर की हुई दलित महिला उत्पीड़न की ये अति शर्मनाक व अति घृणित घटना को लेकर अपनी कोई भी सलाह देने का अब इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है, जबकि हमारी पार्टी इन सब दलित उत्पीड़न के मामलों में अपने पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ज़रूरत पड़ने पर फिर सड़कों पर भी उतरती है।